हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और दोस्तों, आज के व्लॉग में क्या होने वाला है? बेसिकली डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ काम देखो लाइफ में जुड़े ही रहते हैं। और मैं जा रहा हूँ आज कहाँ पर? आज जा रहा हूँ मैं राजस्थान। और सच बताऊँ तो राजस्थान घूमने नहीं जा रहा हूँ, किसी एक छोटे से काम से जा रहा हूँ। बिकॉज कि कोई किसी ने रेफरेंस दिया है कि एक मेडिसिन मिलती है कैंसर से रिलेटेड, या बॉडी में कोई भी गांठ है उसकी कोई दवाई मिलती है और वो अचूक है। और सबसे कमाल की बात यह है कि विदाउट मनी, विदाउट स्पेंडिंग मनी आपको वहाँ पर दवाई दी जाती है। इवन जहाँ पर वो दवाई दी जाती है वहाँ पर आपको बोला भी जाता है कि आप ना तो पैसे दें, ना पैसे चढ़ाएं, ना पैसे किसी मूर्ति के आगे रखें, कहीं आपको कोई पैसे नहीं रखना है। बिकॉज अगर आपने ऐसा किया तो आपके मरीज को वो दवाई लगेगी ही नहीं, ठीक है? तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला हुआ है लोगों से कि सच में वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। सच ये है कि दोस्तों, वहाँ पर मैं पहले भी 2-3 बार जा चुका हूँ। और ये ब्लॉग बनाने के पीछे एक रीज़न है कि सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन हो, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या मेरे किसी जानकार को या किसी मरीज को, अगर वो मेडिसिन लग रही है वो कारगर है और वहाँ पर कोई पैसे भी देने नहीं पड़ते। जबकि आपने सुना होगा कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए हॉस्पिटल्स आपके पास मनी छोड़ते ही नहीं है, बिकॉज उसका जो खर्चा है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग बनाने का रीजन केवल इतना ही है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। उन्होंने हालांकि मुझे बोला है कि आप प्लीज ये व्लॉग नहीं बनाइएगा, बिकॉज कि यहाँ पर और मरीज आएंगे, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट मैं यहाँ पर ये व्लॉग बनाते हुए ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर हो सके और कोई कुछ कर सके, या किसी को लगे कि सेवा भाव से अपने किसी को वहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज वहां पर मरीज तो जाए जाए, बट किसी को सपोर्टिव मकसद के लिए किसी को अगर आप अटैच कर सके, कोई वहां पर सेवा भाव से जाना चाहे जो वहां पर सेवा कर सके, क्योंकि वहां पर जो ट्रस्टवर्दी जो पर्सन हैं वो 2-4 आदमी हैं और वो काफी मेहनत से वहां काम करते हैं, ठीक है? तो आज के व्लॉग से दो चीज़ें के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक तो ये कि जिनको भी परेशानी है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इलाज करा रहे हैं, वो एक बार यहाँ पे ट्राई ज़रूर करें। दूसरा कि जो किसी के पास कोई भी अगर कोई मैन है या कोई किसी तरीके से वहाँ पे सेवा कर सकता है या कुछ कर सकता है, विदाउट मनी, पैसे की बात नहीं होनी है, पैसे देने ही नहीं है ना वो पैसे लेते हैं, तो अगर कोई वहां पर इस तरीके से अपना कोई भी मैन पावर लगा सके तो बहुत ही खुशी की बात होगी। और जैसे मैं आज आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों को अगर सपोर्ट होगा, बहुत सारे लोगों को अगर आराम होगा, तो डेफिनेटली वो भी खुश होंगे। और सब लोग कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं जब किसी को आराम पड़ता है, तो डेफिनेटली मैं भी ट्राई करूंगा। मेरे भी जानकार किसी मरीज को एक आराम मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं भी कुछ ना कुछ ट्राई करूंगा, जो मैं वहां पर हेल्प कर पाऊँ, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाऊँ। तो दोस्तों, आपसे भी यही है कि आपसे जो हो बने प्लीज आप ये जरूर कीजिएगा।
फ्रेंड्स, ये वो रोड है जिससे कमलनाथ बाबा का जो आश्रम है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इस जिस रोड पे हम चल रहे हैं, इस रोड के बारे में अभी आपको जानना चाहिए। ये एक आईएएस ऑफिसर थे जिनकी मदर के लिए सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। फाइनली उनको यहाँ का पता लगा और वो यहाँ आए, और उन्होंने जब उनकी मदर को काफी आराम हुआ तो उन्होंने इम्प्रेस होके एक, आप कह सकते हो कि जो आश्रम था उसको एक भेंट दी ये वाली रोड बनवा करके, क्योंकि पहले ये कच्चा रास्ता हुआ करता था। और अभी आप देखोगे दिल्ली एनसीआर जिन भी लोगों को पता है वो फाइनली यहाँ पर देखो वेट कर रहे हैं। आश्रम सामने आपको दिख रहा होगा, फ्लैग लगे हुए हैं, और किसी तरीके का कोई भी चढ़ावा, कोई भी पैसे की मांग डिमांड कुछ भी यहाँ पर इस तरीके का नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो दवाई का असर भी खत्म हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं और बताते भी है। देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, संडे का दिन है, कुछ कुछ लोग आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। फाइनली हम भी यहाँ पर पहुंच गए। सो फाइनली दोस्तों, जिसकी बात मैंने मॉर्निंग में की थी, फाइनली वहां पे हम पहुंच चुके हैं। कमलनाथ बाबा का आश्रम वैसे बोला जाता है इसको, और यहीं पे मेडिसिन मिलती है। और मेडिसिन भी कैसे मिलती है मैं वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। बहुत सारे लोग जिनको कहीं असर नहीं होता है, लोग यहाँ का एड्रेस लेते हैं, पता लगता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल करके दिखा देता हूँ। ये करके है आश्रम, इस तरीके का है, लोग आते हैं काफी दूर दूर से यहाँ पर। और अब आपको अंदर का भी प्रांगण दिखाता हूँ कैसा है क्या है। दोस्तों महाराज जी के पास से दवाई लेने के बाद देखिए किस तरीके की दवाई वो देते हैं। पहली डोज वो देते हैं 15 दिन की, उसके बाद फिर महीने महीने भर की डोज देते हैं। कुछ इस तरीके के पाउच वो लोग देते हैं, ठीक है। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम होता है, ये एक तरीके का आशीर्वाद आप मान सकते हो। मैं कमलनाथ बाबा के दर्शन भी आप लोगों को यहाँ करवाऊँगा ये। और सबसे कमाल की बात है कि इन सारी चीज़ों का कोई पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। और कुछ दवाइयाँ यहाँ पर, इनका एक स्टोर है, यहाँ से भी मिलती है। ये है कमलनाथ बाबा का आश्रम। ये है दोस्तों कमलनाथ बाबा, और ये उनका आश्रम है। और सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी चढ़ावा, कोई भी पैसा, कोई भी दवाई का पैसा कुछ भी नहीं लिया जाता। और बल्कि ये भी बोला जाता है कि अगर किसी ने कोई पैसा या चढ़ावा चढ़ाया है तो वो उसे उठा ले, अगर वो पैसे यहाँ दे के या चढ़ा के जाएगा तो बोलते हैं कि दवाइयाँ हैं उनका असर नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। और इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पे होती रहती है पूरे दिन, ठीक है। लोग बाग आते रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं। और ये इनका मेडिकल स्टोर टाइप है जहाँ पे दवाइयाँ लोग कलेक्ट करते हैं। ये तो आशीर्वाद वाली दवाइयाँ हो गई जो बेटे के हाथ में, अदर देन दीज भी बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ से मिलती हैं।
पूरा जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता था आपके लिए मैंने की है। होपफुली जो भी सपोर्टिव आपसे बन सके प्लीज जरूर कीजिएगा। ये ब्लॉग बनाने के पीछे रीजन मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि किसी से कोई हेल्प हो जाए तो प्लीज वो हेल्प जरूर कीजिएगा, सो दैट वहां पर जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं या किसी के पास कोई मैन पावर हो तो उस तरीके का कोई प्रोवाइड कर सकता है तो डेफिनेटली करना, बिकॉज कि बहुत सारे लोगों को आराम मिलेगा, बहुत दुआएं मिलेंगी हम सभी को। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ और काफ़ी थक चुका हूँ, अभी नहाता हूँ और फिर रेस्ट करता हूँ क्योंकि पूरे दिन ड्राइव किया है, काफ़ी दूर पड़ता है। फिर मुलाकात होगी दोस्तों दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।